इकाई एक, गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, जो गणित आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं और जिस गणित का आप रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने सोचा है कि इस गणित की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की? आज हम आपको गणित के इतिहास की तरफ ले चलते हैं, दुनिया के उन हिस्सों में लेके चलते हैं, उस समय में लेके चलते हैं जहाँ से गणित की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। जिन चीज़ों के आधार पर हम इतिहास का निर्धारण करते हैं उनमें कुछ लिखित दस्तावेज हो सकते हैं। इन लिखित दस्तावेजों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इतिहास की तरफ ले जाती हैं, इतिहास के बारे में बताती हैं। अब तक ज्ञात जितनी भी लिखित चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसके पहले और उसके बहुत पहले की भी कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं। ये कुछ चिन्ह हैं, संकेत हैं, चित्र हैं जो हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिले हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं आपके सामने दक्षिण अफ्रीका का रखना चाहूँगा। दक्षिण अफ्रीका जो दुनिया के द्वीपों में से एक बड़ा द्वीप के रूप में पहचाना जाता है, इस महाद्वीप की कुछ गुफाओं में जीवाश्म वैज्ञानियों ने कुछ खोजें की। उन्होंने कुछ चट्टानें ढूंढी। इन चट्टानों को हम ओकरे रॉक्स के रूप में जानते हैं। यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों का एक पैटर्न उन्हें दिखाई पड़ा। ये शायद दुनिया के सबसे पुराने अभिलेखों के रूप में जाना जाता है या ऐसे चिन्हों संकेतों के रूप में जाना जाता है जो गणित के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जब हमने लिखना शुरू किया उसके पहले से ही लोगों ने गणित के मूल ज्ञान को समझना शुरू कर दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण कांगो में नील नदी के किनारे मिली हुई अस्थि है जिसे इशांगो बोन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में धारणा है कि यह अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला का सबसे पुराना और ज्ञात प्रदर्शन है। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से विभाजित होती हैं। तो उस समय लोगों ने इन अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसका उन्होंने इसमें प्रदर्शन किया था। ये माना जाता है कि यह इशांगो अस्थि आज से लगभग 20,000 साल पुरानी है। गणित के इतिहास की यात्रा में हम थोड़ा आगे आते हैं, ईसा के लगभग 5,000 साल पहले। उस समय इजिप्ट में गणित पे बहुत काम हो रहा था। इजिप्ट का नाम आते ही वहाँ के पिरामिड हमारे सामने आते हैं। ये पिरामिड कला और इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने के रूप में हमारे सामने है। इसी दरमियान मिस्र के लोगों ने ज्यामिति स्थानिक आकृतियों के बारे में हमें बताया, दुनिया को एक उपहार के रूप में इसे हमारे सामने रखा। हम थोड़ा और आगे आए, ईसा के लगभग 3,000 से लेकर 2,500 साल के पहले। इस दरमियान दो सभ्यताओं का जिक्र आता है, एक तो हिंदुस्तान की सभ्यता और दूसरी सुमेरियन सभ्यता। हिंदुस्तान की सभ्यता में उस समय जो विकास हुआ उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषताएं थी वो थी वहाँ की रचनाएं। वो सड़कें हो सकती थीं, सड़कों के किनारे बनी हुई नालियाँ हो सकती थीं, बड़े और विशाल स्नानागार हो सकते थे। उन स्नानागारों से पानी के बाहर निकलने और अंदर आने की व्यवस्था हो सकती थी। जो कमरे बने, जो कोठियाँ बनी अनाज की, जो खिलौने और दूसरी जो चीज़ें हमें मिली, वो तमाम चीज़ें हमें बताती हैं कि उस समय के लोगों ने गणित को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। गणित और विशेष रूप से ज्यामिति की आकृतियों को उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और वो उनके आपसी संबंधों को अच्छी तरह समझने लगे थे। यहाँ जो ईंटें बनी, उन ईंटों को आप देखिए तो पता चलता है कि इनकी भुजाओं में एक निश्चित अनुपात है और शायद यही वो वजह थी कि वो इतनी अच्छी रचनाएँ कर पाए। उनका निर्माण इतना खूबसूरत और इतना मजबूत और इतना अच्छा हुआ उसके पीछे इन ईंटों के अनुपात का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस काल में सिंधु घाटी सभ्यता में गणित का विकास हो रहा था, ठीक उसी समय
यानी ईसा से 3000 साल पहले से लेकर 2500 साल पहले की बात है, एक और सभ्यता दुनिया में विकसित हो रही थी गणित को लेकर के। इसे हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो सुमेरियन सभ्यता थी उनके बारे में ये मान्यता है कि इन्होंने मापन की एक बहुत ही जटिल प्रणाली का विकास किया था और ये दुनिया को एक बहुत बड़ा उपहार था सुमेरियन सभ्यता का। दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में जिनका नाम आता है उन देशों में एक बहुत महत्वपूर्ण देश चीन भी है, चाइना, हमारा पड़ोसी देश। आज टेक्नोलॉजी के मामले में जिन्होंने दुनिया में अपनी खास पहचान बना रखी है वो चाइना। आज से हजारों साल पहले चाइना ने अपनी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें और विकसित की थी। विशेष रूप से शांग राजवंश का जो नाम आता है उस समय की कुछ चीज़ें हमें बताती हैं कि उस समय उन लोगों ने संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अंकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इसका उदाहरण हमें मिलता है कछुए के कवच पर तराशी हुई आकृतियों से। कुछ आकृतियां वहाँ पर कुरेदी गई थी, वो ये मानी जाती हैं कि वो संख्याओं का प्रदर्शन था अंकों के रूप में। अभी तक हमने जिन देशों, सभ्यताओं और संस्कृतियों का उल्लेख किया उनके अलावा भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने गणित में अपना योगदान दिया। इनमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे ग्रीक, बेबीलोन, अरब, ये ऐसे नाम हैं जिनका उल्लेख करना ज़रूरी है। इन देशों के लोग दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाया करते थे व्यापार के लिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक बहुत बढ़िया जरिया था। इनके पास जो ज्ञान था उसे वो वहाँ लेकर जाते थे, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें वो अपने यहाँ लेकर आते थे। और इस तरह ज्ञान के और संस्कृतियों के आदान प्रदान से इंसान ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आज गणित का जो रूप हम देखते हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों की संस्कृतियों और उनके ज्ञान का मिला जुला स्वरूप है। और यही वजह है कि ये एक ऐसा विषय है जो हमें दूसरों से जोड़ता है, पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधता है। अभी तक हमने आपसे जितनी बातें की वो बहुत कम थी, बहुत थोड़ी थी। आपको चाहिए कि आप अपने ज्ञान को और विस्तारित करें, नए नए स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और देखें गणित के विकास की यात्रा कैसी थी। जब आप इसे जान लेंगे तो आपको गणित एक नए रूप में दिखाई पड़ेगा, गणित को देखने का आपका एक नया नज़रिया बनेगा और ये गणित आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपने गणित के इतिहास पर बातचीत की, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस गणित का हमारे जीवन में रोल क्या है, क्या भूमिका है इसकी। आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखिए और किसी एक चीज़ के बारे में सोचिए, क्या बिना गणित का इस्तेमाल किए उस चीज़ की रचना हो सकती थी। अब अपनी शर्ट के बटन के बारे में सोचिए, उसका आकार, उसकी मोटाई, उसमें बने हुए छेद, उसका रंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचिए, क्या इनकी रचना में गणित का इस्तेमाल हुआ होगा। आप पाएंगे कि बिना गणित के उपयोग किए ये चीज़ें नहीं बन सकती थी। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ के बारे में सोचिए, घर में बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, उन सब के बारे में सोच के देखिए। आप पाएंगे कि हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बनाने में गणित का उपयोग ना हुआ हो। किसी विषय के बारे में सोचिए, आज आप साइंस के बहुत सारे आविष्कारों के बारे में देखते हैं, टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ता है, गणित की भाषा अगर उनके पास नहीं होती तो शायद ये तरक्कियाँ वहाँ संभव नहीं थी। इस विषय का महत्व केवल आज ही महसूस किया गया ऐसी बात नहीं है, आज से सदियों पहले ऋषियों ने और शिक्षाविदों ने इस बात को महसूस कर लिया था कि बिना गणित के ज्ञान के किसी शास्त्र की रचना भी संभव नहीं है। वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगध ने इसके बारे में एक श्लोक लिखा है, वो सुनिए। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद् वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्। अर्थात वेदांग शास्त्रों में गणित उसी प्रकार सुशोभित है जिस प्रकार मयूर के सिर पर शिखा और नागों के मस्तक पर मणि शोभायमान होती है। आप इस तुलना से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि गणित को लोगों ने कितना महत्व दिया। गणित में अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग खंड हैं। हम इस अध्याय में उन सभी खंडों पर बात करेंगे
और सबसे पहले हम अंकगणित पर आपके साथ बात करेंगे कि अंकगणित क्या है और उसमें अंकों का स्थान क्या है और भारत ने इसमें क्या योगदान दिया, तो हमारी चर्चा इस पर आगे बढ़ेगी। गणित की अनेक शाखाएं हैं और गणित की पहली महत्वपूर्ण शाखा जो अंकगणित है वो उसका हम अपनी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। आम लोग इसके बगैर अपने सारे काम निपटा नहीं सकते, हर जगह हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जब हम अंकगणित की बात करते हैं तो संख्या प्रणाली की बात होती है वहाँ पर, और संख्या प्रणाली में की जब हम बात करते हैं तब हमें अंक पूरी पद्धति समझ में आती है कि इसके बगैर हम अंकगणित की बात नहीं कर सकते। और सभी अंकों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंक है, जैसे हम शून्य कहते हैं, अगर शून्य नहीं होता तो हम अपनी संख्या को दार्शनिक प्रणाली का उपयोग करके लिख नहीं सकते थे। दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियों और सभ्यताओं ने संख्याओं का उपयोग शुरू किया लेकिन उनकी पद्धति एक बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं प्रदर्शित कर पाई। और जब हमने शून्य का इस्तेमाल करना शुरू किया तब हमें एक ऐसी प्रणाली मिली जो आसानी से समझी जा सकती थी, लिखी जा सकती थी और जिसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को बहुत आसानी से लिख पाते थे। तो यह सारी बातें हुई शून्य के बदौलत। आपको लग सकता है कि शून्य अभी की खोज है, लेकिन बच्चों आपको हमें यह बताएं कि शून्य आज जैसा हमें दिखाई पड़ता है, हो सकता है उस रूप में हम पहले उसे नहीं लिखते रहे हों, उसे किसी और रूप में लिखते रहे हों, लेकिन उसकी संकल्पना वेदों के समय से हमारे सामने आ रही है। यजुर्वेद के अध्याय 40 में मंत्र 17 की ऋचा में इसका उपयोग हुआ है। वहाँ पर इसे खम शब्द से संबोधित किया गया है। खम का अर्थ आकाश और शून्य भी होता है। वहाँ लिखा हुआ है ओम खम ब्रह्म, ये वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। और भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में भी शून्य का उपयोग किया है और शून्य परिकर्माष्टक में उन्होंने शून्य के लिए खम का उपयोग किया है। उनका श्लोक सुनिए, योगे खम शेप समम वर्गादो खम खभाजितो राशि ख हर स्यात ख गुण खम ख गुणश्चिंतस्य शेष विधौ। इसका अर्थ है शून्य एक ऐसी संख्या है जिसमें यदि आप किसी संख्या को जोड़ते हैं तो संख्या का परिणाम वही रहता है। इसके अतिरिक्त शून्य के जितने भी वर्ग हैं उनका मान भी शून्य ही है। यदि आप शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तो परिणाम शून्य है, लेकिन किसी संख्या में जब शून्य का भाग देते हैं तो परिणाम अनिश्चित होता है। और ऐसे परिणाम के लिए हम उस संख्या को संबोधित करते हैं ऐसी संख्या जिसका हर शून्य है। इसके साथ साथ यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो परिणाम शून्य होता है। ये बातें भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में आज से सैकड़ों साल पहले कह दी थी। गणित के इस महत्वपूर्ण अंक संख्या शून्य के बारे में हमने जाना, लेकिन क्या आपको पता है कि किसने हमें शून्य की जानकारी दी? इसके बारे में इतिहास भी हमें कुछ बहुत सही बातें नहीं बताता है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि किनको किनको इनका श्रेय दिया जा सकता है। और इसमें कुछ नाम है हमारे सामने। सबसे पहला नाम आता है व्याकरणाचार्य पाणिनि का, जो 500 ईसा पूर्व हुए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि शायद शून्य के बारे में इनसे ही दुनिया को पता चला। उसके बाद पिंगल जो 200 ईसा पूर्व थे, उनके बारे में भी ये समझा जाता है कि शायद इनके समय में शून्य की जानकारी हमारे सामने आई। और कुछ लोगों का कहना है कि जो वैदिक ऋषि हैं जिन्हें हम ग्रीस मत के नाम से जानते हैं, उन्होंने शून्य को हमारे सामने रखा। ये मान्यताएं हैं, इनका कोई आधार हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमने सुना पढ़ा उसके आधार पर ये बात कही जा सकती है। शून्य को जैसा अभी हम देखते हैं उसका जो आकार रूप हमारे सामने है उसका सर्वप्रथम साक्ष्य हमें बक्षाली पांडुलिपि मिलता है। ये बक्षाली पांडुलिपि 300 से 400 ईस्वी के बीच की है, जब उस समय इस लिपि का उपयोग होता था वहाँ शून्य हमें इस रूप में प्राप्त हुआ था। शून्य की महत्ता के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा। इसमें प्रोफेसर जी बी हल्स्टेड ने जो कहा है वो आपके सामने हम रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विद्वानों ने अपने समय में अलग अलग अंक प्रणालियाँ विकसित की थी।
इसमें रोम की संख्या प्रणाली, चीन की संख्या प्रणाली, भारत की संख्या प्रणाली प्रमुख थी। लेकिन भारत की संख्या प्रणाली का विकास दूसरे देशों तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि लगभग 717 ईस्वी में उज्जैन के एक हिंदू विद्वान जिनका नाम कंक था, उन्हें बगदाद के खलीफा अल मंसूर ने अपने यहाँ आमंत्रित किया अपने राज दरबार में बगदाद में, और कंक ने वहाँ के विद्वानों के साथ मिलकर गणित पर काम किया, उन्हें गणित सिखाया और गणित के साथ साथ उन्होंने ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान भी उन्हें दिया। तो दो चीज़ें कंक के माध्यम से वहाँ पर गईं, गणित और भारतीय ज्योतिष विज्ञान। इसके साथ साथ एक और काम वहाँ हुआ, जो अरब के विद्वान थे उन्होंने कंक के साथ मिलकर ब्रह्मगुप्त की एक किताब का अनुवाद किया। ब्रह्मगुप्त की उस किताब का नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो इस तरह से एक संख्या प्रणाली या एक ज्ञान भारत से अरब के देशों में पहुंचा, और बाद के इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि कैसे इस ज्ञान की यात्रा अरब से यूरोपीय देशों में हुई। भारतीय अंकों और अंग प्रणाली की जो विश्व भर में यात्रा हुई, उसके बारे में अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अपनी बातें रखी हैं। फ्रांस के विद्वान शोधकर्ता MF नाव ने लिखा है कि भारतीय अंक और भारतीय अंक पद्धति 7वीं शताब्दी के मध्य तक सीरिया पहुंच चुकी थी, और सीरिया के लोग इन अंकों को पहचानते थे, उनका उपयोग करते थे और उनकी सराहना भी करते थे। बीबी दत्त भी इसके बारे में अपनी बात ये लिखते हैं, उनके अनुसार अरब से मिश्र और उत्तरी अरब होते हुए भारतीय अंग प्रणाली 11वीं सदी तक पूर्ण रूप से यूरोप पहुंच गई। चूंकि ये अंग प्रणाली यूरोप वासियों को अरब से मिली थी, इसलिए वो इसे अरब की संख्या प्रणाली मानते थे। लेकिन स्वयं अरब के लोग एक मत से उन्हें हिंदू अंग प्रणाली कहते थे, अल अरकान अल हिंदू कहा। इन 10 अंकों को अरबवासी हिंदसा भी कहते थे। इसके बारे में फ्रांस के एक और विद्वान हैं जिन्हें हम पीरे लाप्लास के नाम से जानते हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत ने ही हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने की प्रणाली प्रदान की, जिसमें प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष और एक स्थानीय मान होता है। यह प्रणाली अत्यंत उत्तम प्रणाली थी। दशमलव पद्धति का आधार 10 है, इसी कारण से इसे दशमिक या दशमलव प्रणाली कहते हैं। ये बातें गणितज्ञ पीरे लाप्लास ने लिखी थी अपनी किताबों में। तो इन तमाम बातों से हमें पता चलता है कि जो हमारी अंग प्रणाली थी वो गर्व करने के योग्य है, और यही अंग प्रणाली आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। यहाँ पर जो विशेषता है इसकी अंग प्रणाली की, वो ये है कि इसमें हम सिर्फ 10 चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 चिन्हों के आधार पर हम किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर पाते हैं। और जो दूसरी खास बात है जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं, वो है स्थानीय मान का गुण। एक ही संख्या अलग अलग स्थान पर रखे जाने के कारण अलग मानों को व्यक्त करती है, और इस प्रणाली या इस प्रकार की व्यवस्था के कारण किसी भी संख्या को हम इस 10 चिन्हों की मदद से बहुत आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। वो संख्या पूर्ण भी हो सकती है और दशमलव की बाद की संख्याएँ हो सकती हैं, जैसे 0.01, 0.01, 0.01, जिसका मान 1 से छोटा होता है, जिसको हम भिन्न में 1/10, 1/100, 1/1000 या इससे किसी और रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इन तमाम तरह की संख्याओं को, संख्याओं के हिस्सों को हम इस संख्या प्रणाली की मदद से बहुत आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, और इसीलिए इसे बहुत वैज्ञानिक प्रणाली का दर्जा मिला और सारी दुनिया ने इसे स्वीकार किया। भारतीय अंकों का इतिहास। आज हम जिन अंकों को पढ़ और देख रहे हैं, क्या ये अंक प्रारंभिक समय से इसी रूप में हैं? नहीं, आज हम इनका विकसित रूप देख रहे हैं। चलिए चलते हैं इनके विकास के क्रम की ओर। ईसा के पूर्व 4वीं शताब्दी में जो प्रणाली है उसे हम कहते हैं खरोष्ठी प्रणाली। ईसा के पूर्व 3री शताब्दी में जो प्रणाली आई उसे ब्राह्मी प्रणाली के नाम से जाना गया। ईसा के पश्चात 9वीं शताब्दी में ग्वालियर प्रणाली, और ईसा के पश्चात 11वीं शताब्दी में देवनागरी प्रणाली, और आज हम जिस प्रणाली को जानते हैं उसे कहते हैं आधुनिक प्रणाली।
ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी तक के जो अभिलेख हैं उसमें जो अंक हैं वो खरुष्टी प्रणाली के हैं। ब्राह्मी अंक में 10 के अतिरिक्त 100 तक इनके गुणक और 900 तक 100 के गुणक पाए गए हैं। यजुर्वेद, रामायण और भी ऐसे धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर 10 की घात 53 तक के संख्याओं को नाम दिए गए थे, जैसे कि 10 की घात 11 को न्यूनतम, 10 की घात 21 उत्संग, 10 की घात 31 को कहते थे हेतुहिलम, 10 की घात 41 उसे हम कहते थे नित्रवाद्यम और 10 की घात 53 जो था उसे तल्लक्षणा कहा जाता था। कूटांक, जब हम संख्याओं को अक्षरों में व्यक्त करते हैं तो इन्हें कूटांक कहते हैं। प्राचीन गणितज्ञ इस संकल्पना का प्रयोग संख्याओं को अभिव्यक्त करने में करते थे। प्राचीन काल में कूटांक पद्धतियां बहुत प्रचलित थीं। इसका उपयोग वे ज्योतिषादि ग्रंथों में करते थे, जैसे कि वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली और व्यंजनांक प्रणाली। बीजगणित, आप जानते हैं जैसे अंक गणित गणित की एक शाखा है वैसे ही बीजगणित भी। अंक गणित और बीजगणित में सिद्धांत और संरचना के आधार पर बहुत सी समानताएं हैं, परंतु एक मुख्य अंतर भी है। अंक गणित में हम व्यक्त राशियों की बात करते हैं, जबकि बीजगणित में हम अव्यक्त राशियों की बात करते हैं। अव्यक्त राशियां मतलब, अव्यक्त राशियां हम उन्हें कहते हैं जिनका मान हमें प्रारंभ से पता नहीं होता है। इन्हें हम बीज राशि भी कहते हैं और इसलिए इस अव्यक्त गणित को हम बीज गणित कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शूल सूत्रों के काल से ही बीज गणित का प्रारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेदियों बनाने के लिए ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिसके लिए रैखिक और अपरिमित समीकरणों का समाधान ढूंढना पड़ा। आर्यभट्ट के जो अंकगणित में योगदान है वैसे ही बीजगणित में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मगुप्त के काल में बीजगणित जो है वो एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुआ। इसे हम कुट्टक गणित और अव्यक्त गणित भी कहते हैं। गणितज्ञ पृथुदक स्वामी ने 860 में इसका नाम बीजगणित रखा। रेखा गणित ज्यामिति, भारतीय गणित के इतिहास में यदि हम दृष्टि डालें तो वैदिक काल में ही रेखा गणित की नींव पड़ गई थी। वैदिक काल के गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में शूल्व सूत्रों के रूप में मिलती है। शूल्व सूत्र, वास्तव में वेदी के मापन में रस्सी का प्रयोग होता था, इसे ही हम शूल्व कहते हैं। और सूत्र का अर्थ होता है जानकारी को संक्षिप्ततम रूप में प्रस्तुत करना। शूल्व सूत्रों का नाम उनके रचयिताओं जैसे कि बौधायन, कात्यायन, मानव, आपस्तम और मैत्रायन के नाम से जाना जाता है। शूल्व सूत्रों में विभिन्न ज्यामिति आकारों के वेदियों का वर्णन है, जैसे कि गरुण वेदी, कूर्म वेदी और श्रीयंत्र। हमारे पास शूल्व सूत्रों के कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत और अन्य जटिल ज्यामिति आकारों की रचना। कुछ ऐसे ज्यामिति आकारों की रचना जिनका क्षेत्रफल दिए गए आकारों के क्षेत्रफल के योग या अंतर के बराबर हो। रेखा गणित में आर्यभट्ट 476 ईस्वी से 550 ईस्वी, ब्रह्मगुप्त 600 ईस्वी, भास्कर प्रथम 629 ईस्वी और महावीर 850 ईस्वी, इन सभी का योगदान उल्लेखनीय है। बौधायन शूल्व सूत्र, दीर्घ चतुरस्त्रस्य अक्षणया रज्जु पार्श्वमानि तीर्यकमानि च यत् पृथग्य भूते कुरुत तत् उभयम् करोति इति क्षेत्र ज्ञानम्। अब जानते इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि किसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत की अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है
और हम यह भी जानते हैं कि किसी आयत का जो विकर्ण होता है वो उसे दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है। किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की इन भुजाओं में जो संबंध है इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। परंतु डॉक्टर ब्रजमोहन की पुस्तक गणित के इतिहास के पृष्ठ नंबर 243 में इस बात का उल्लेख है कि आज यह अधिकांश इतिहासज्ञ जो हैं वो मानते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय को हमारे शुल्व सूत्र के जो लेखक हैं वो उनके जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व से जानते थे, क्योंकि यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस जो हैं उनका जो जीवन काल है वो 572 ईस्वी पूर्व से 501 ईसा पूर्व तक है, जबकि हमारे भारतीय गणितज्ञ बोधायन जी ने उनके जीवन काल से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही इस प्रमेय को स उदाहरण व्यापक रूप में पहले व्यक्त कर दिया था। अतः यह प्रमेय वास्तव में बोधायन प्रमेय है, इसे शुल्व प्रमेय भी कहते हैं। पाई का भारतीय इतिहास, आर्यभट्ट, 476 ईस्वी से 550 ईस्वी। आर्यभट्ट वे प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात यानी कि पाई का लगभग परिमित मान निकाला। उन्होंने लिखा कि चतुर्धिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टि स्थिता सहस्त्राणाम अयत्वद्वय विष्कंभस्य आसन्नो वृत्त परिपाहः। इस श्लोक में यह बताया गया है कि यदि हम 100 में 4 जोड़ें और उसमें 8 का गुणा कर 62,000 जोड़ दिया जाए तो जो योगफल प्राप्त होता है वह 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग माप है, यानी कि 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का माप होगा 62,832, यानी कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास बराबर 62,832 बटे 20,000। यदि इसका हम मान दशमलव के 4 अंक तक ले, दशमलव के बाद 4 अंक के स्थानों तक ले ले, तो इसका मान हो जाएगा 3.1416, जो आज तक सही है। भास्कराचार्य, 1114 ईस्वी से 1193 ईस्वी। इन्होंने अपने ग्रंथ लीलावती में पाई का मान इस श्लोक के माध्यम से दिया। व्यासे भन्नंदागिनी हते विभक्ति खबाण सूर्य परिधि स सूक्ष्म द्वाविंश तिघ्ने वृहते अच्छेले स्थिलो अथवा स्यात् व्यवहार योग्यः। इस श्लोक का आशय यह है कि जब हम व्यास को 3927 से गुणा कर 1250 से भाग देते हैं तो सूक्ष्म परिधि होती है, अथवा व्यास को 22 से गुणा कर 7 से भाग देने पर व्यवहार योग्य परिधि का स्थूल मान प्राप्त होता है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, 1884 ईस्वी से 1960 ईस्वी। इन्होंने पाई बटे 10 का मान सुविदित अनुष्टुप छंद में वर्णमाला की कूट भाषा में दिया है, जो है गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंगी शोदधि संदिग्ध खल जीवित खाताव गलहाला रसंधर। स्वामी जी ने इस श्लोक के 3 उपयुक्त अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ श्री कृष्ण जी की स्तुति है, दूसरा अर्थ श्री भगवान शंकर जी की स्तुति, तीसरे अर्थ में पाई बटे 10 का मान दशमलव के 32 स्थानों तक दिया गया है। स्वामी जी ने वैदिक गणित नाम के ग्रंथ की रचना भी की जिसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं। चलिए अब बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी की, 1887 ईस्वी से 1920 ईस्वी। रामानुजन का यूरोप में जो पहला शोध निबंध प्रकाशित हुआ उसका शीर्षक था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निकट मान, मॉड्यूलर इक्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन टू पाई। इन्होंने पाई के सन्निकट मान के लिए कई सूत्र की खोज की। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह गणित की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र एवं खगोल शास्त्र में इसका उपयोग
ग्रहों के स्थान की गणना में होता था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त आदि का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिकोणमिति के संकल्पनाओं, सूत्रों तथा सारणियों का वर्णन सूर्य सिद्धांत जो 400 ईस्वी का है, वराहमिहिर के पंच सिद्धांत तथा ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो 630 ईस्वी का है में मिलता है। डॉक्टर ब्रजमोहन द्वारा लिखित पुस्तक गणित का इतिहास में उल्लेख है कि इसमें संदेह नहीं है कि त्रिकोणमितीय फलनों में से तीन की स्पष्ट रूप से परिभाषा सबसे पहले हिंदुओं ने ही दी थी। सबसे पहले ज्या का प्रयोग आर्यभट्ट ने लगभग 510 ईस्वी में किया था। आर्यभट्ट ने ज्या और उत्क्रम ज्या यानी उज्जया की सारणियां भी दी हैं। भारत से ज्या शब्द अरब गया जहां जीबा के रूप में प्रचलित हुआ। कुछ समय पश्चात जीबा का जैब हो गया। अरबी में जैब का अर्थ वक्ष है। लगभग 1150 ईस्वी में अरबी की पुस्तकों का लैटिन में अनुवाद किया गया तो जैब के स्थान पर साइनस का प्रयोग किया गया जिसका लैटिन में एक अर्थ वक्ष भी है। ब्रह्मगुप्त ने ज्या के अर्थ में ही क्रमज्या का प्रयोग किया। इसका यह नाम इसलिए रखा कि उत्क्रम ज्या से इसका अंतर स्पष्ट दिखाई पड़े। अरबी में यही शब्द करज के रूप में प्रचलित हो गया। अल-ख्वारिज्मी ने भी करज का ही प्रयोग किया है। भारतीय ज्या और कोटी ज्या ही यूरोपियन भाषाओं में साइन और कोसाइन बन गए। त्रिकोणमिति का ज्योतिष, खगोलशास्त्र, अभियांत्रिकी, नौपरिवहन तथा ऊंचाई, दूरी आदि के अध्ययन में भी उपयोग होता है।